गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के विषय में चर्चाएं प्रारंभ की थी। हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा, आज हम कुछ इसके आगे चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने अक्षांश के बारे में पढ़ा, तो अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा कि इस प्रकार कि बिल्कुल मध्य से ग्लोब कर बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य यानी भू यानी पृथ्वी के मध्य से, इसलिए भूमध्य रेखा हो गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 90 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी अक्षांश, है ना। ऊपर की तरफ भी 90 और नीचे की तरफ भी अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पूरे गोलार्ध को, पूरे भाग को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। या हम कुछ मध्यान रेखाओं की बात करेंगे कि देखो आप पढ़ते हो कर्क रेखा मकर रेखा। ठीक है, अब ये कर्क रेखा मकर रेखा, जैसे कि हमने बात की कि ये जो 23.5 डिग्री, देखो यहाँ से चर्चा करेंगे, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे इसे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या तो एन लिख देंगे या लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसे क्या बोल सकते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे ना? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, क्या बोलेंगे इसे? कर्क रेखा। अभी जो कर्क रेखा है, अब फिर हम बात करें कि जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। फिर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलेंगे इसे? मकर रेखा। फिर बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे इसे? अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार से हम कुछ मध्यान या बात करें कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। भाई मुख्य अक्षांश रेखाओं की हमने बात की, कभी प्रश्न आता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, बार बार पढ़ते हैं कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है अंटार्कटिक वृत्त है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं ना? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये वाला हो गया उत्तरी ध्रुव और ये वाला हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब चर्चा ये कि सर कभी कि 23.5 को ही क्यों मानते हैं, 23 डिग्री को हम 23 डिग्री को कर्क रेखा क्यों मान रहे हैं, हम 20 डिग्री को कर्क रेखा क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आए कि 23 डिग्री को क्यों मान नहीं मान रहे हैं, 24 डिग्री को क्यों नहीं मान लेते हम, क्यों 25 डिग्री क्यों नहीं मान लेते, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। देखना, देखो हमने पढ़ा खूब है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये 23.5 को ही हमने कर्क रेखा क्यों माना है। देखो इस प्रकार से ग्लोब है और ग्लोब पर हमने देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना 23.5 डिग्री झुकी है, कितना झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष से, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोल रहे हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर। जब भी हम अध्ययन करते हैं मुख्य रेखाएं मुख्य अक्षांश रेखाएं, इन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे 23.5 को मुख्य रेखा माना अक्षांश रेखा, और यहाँ पे भी मान लिया। फिर सर 66.5 को क्यों माना? 66.5 को इसलिए माना कि 90 में से हमने 66.5 माइनस किए, 90 में से 66.5 माइनस किए तो वापस कितना आता है, 90 में से हमने 23.5 माइनस किए, 90 में से 23.5 माइनस किए तो 90 में से 23.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 66.5 डिग्री।
90 में से जब हम 23.5 डिग्री माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है 66.5 डिग्री। इस प्रकार से हमने 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्ष उत्तरेक्षांश में माना और 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक वर्ष उत्तरेक्षांश में माना और अंटार्कटिक वर्ष हमने दक्षिण अक्षांश में माना। तो इस प्रकार से हमने ये जो भूगोल में जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं की हमने बात कर ली कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री उत्तरेक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, 67.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरेक्षांश रेखा को हम उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये सारी की सारी जो मुख्य अक्षांश रेखाएं इनके विषय में बात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से नंबर वन आपको इन रेखाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब ये क्यों 23.5 क्यों माना, आपको पता लग गया कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई, 23.5 डिग्री झुकी है और टोटल 90 अक्षांश होते हैं, 90 में 23.5 घटाने पे कितना आ गया 66.5। इस प्रकार से आपको ये जैसे कहते हैं ज्योग्राफी का बेसिक आपको जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है ये आपको आना चाहिए। अब देखो ये इतनी बातें जब आपको आ गई, ठीक है, अब पहला डायग्राम आप इस प्रकार से बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे और इस प्रकार से रेखाएं बनाओगे। फिर आपको जो दूसरा डायग्राम बनाना है, देखो कैसे बनाना है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा डायग्राम जो आपको प्रमुखतया बात करनी है दूसरे डायग्राम की, इसी प्रकार से आपको दूसरा डायग्राम बनाना है। सेकंड फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड डायग्राम ये बनाना है और सेकंड डायग्राम बना के इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, ये अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पे दक्षिणी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना। अब आपसे कहा जाए, हमने भी पढ़ा था ना अक्षांश, तो दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। देखो दो अक्षांश जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री वाली लाइन यहाँ पे खींच दी मान ली, ठीक है, 0 डिग्री से 1 डिग्री वाली लाइन खींच दी, यहाँ पे 1 डिग्री वाली लाइन है, तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में भी क्या कराएगी ना, इसे क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। 0 से 5 के बीच का जो लाइन हो इसको भी क्या कहेंगे, ये वाला जो क्षेत्र पूरा ये क्षेत्र क्या है ना, कटिबंध है, ठीक है। यानी कि दो अक्षांश जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, चाहे 5 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, चाहे 0 से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। 0 से 23 के बीच में इसे हम क्या कहेंगे ना, कटिबंध कहेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सारे के सारे क्या है, ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है ना सारे के सारे, तो सबके सब क्या कहलाएंगे ना, कटिबंध कहलाएंगे। क्या कहेंगे इनको हम, कटिबंध कहेंगे सभी को, क्या कहेंगे, कटिबंध। के दो अक्षांशों के मध्य की जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आपका दूसरा डायग्राम आप इस प्रकार से बनाओगे, फिर दो अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र उसे कटिबंध कहते हैं। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और अपेक्षाकृत गर्मी यहाँ पे रहती है, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे क्या कहते हैं ना, उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से 66 के मध्य वाले भाग को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं ना, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से 66 वाले भाग को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और 66.5 से 90 डिग्री ये जो कटिबंध क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। ध्रुवीय इलाका है, यहाँ पे बादल जम जाती है इसलिए सर्दी रहती है, यहाँ पे जो कटिबंध है 66.5 से लेकर 90 डिग्री वाला इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। तो आपको सारी बातें याद रखनी है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला जो भाग है इसे तो हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। ये पूरा का पूरा क्या हो गया ना, उष्ण कटिबंध। ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। फिर ये वाला क्या हो गया ना, शीतोष्ण कटिबंध। दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो गया ना, शीतोष्ण कटिबंध। और जो रिमेन पार्ट बचा है, देखो ये तो हमने उष्ण कटिबंध की बात कर ली, ये पूरा का पूरा क्या हो गया ना, उष्ण कटिबंध हो गया 0 से लेकर 23.5 डिग्री के मध्य। 23.5 से 66 के बीच में क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और फिर 66.5 से लेकर 90 तक क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया। क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये शीतोष्ण शीत कटिबंध हो गया 66.5 से 90, 23.5 से 66 आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया। फिर 0 से 23 के मध्य क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध। और इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, ये डायग्राम बना लोगे, ठीक है। तो सेकंड आपका डायग्राम ये हो गया जिसमें आपने कटिबंध के बारे में पढ़ा और आपको उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक और हम जो बात करें कि जो हमें अक्षांशों के विषय में ध्यान रखना है, अक्षांशों के विषय में जो हमें बातें ध्यान रखनी है उसकी हम चर्चा करें,
ठीक है, तो हम बात करें कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, जीरो डिग्री से अगर हम जाते हैं 30 डिग्री पर, कितना 30 डिग्री है, तो ये होते हैं निम्न अक्षांश। क्या होते हैं? निम्न अक्षांश। 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जाएंगे उत्तर में, तो ये होंगे मध्य अक्षांश, और 60 से 90 डिग्री उत्तर की बात करेंगे तो ये होंगे उच्च अक्षांश। 0 डिग्री से अगर हम कहाँ जा रहे हैं 30 डिग्री पर, तो ये कौन से हो गए ना, निम्न अक्षांश। 30 डिग्री से हम जा रहे हैं कहाँ पे, 60 डिग्री पर, तो ये कौन सा हो गया मध्य अक्षांश। और हम 60 से जा रहे हैं कहाँ पर, 90 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण में जा रहे हैं ना, तो दक्षिण में दक्षिण ही करेंगे हम, तो ये हो गए उच्च अक्षांश। अब आपके लिए 65 डिग्री कौन सा है, तो 65 डिग्री सिंपल सी बात है उच्च अक्षांश में आएगा, 45 डिग्री कौन सा है तो मध्य अक्षांश में आएगा, 25 डिग्री कौन सा है तो किसमें आएगा, निम्न अक्षांश में आएगा। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये तो हो गया निम्न अक्षांश, फिर 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये क्या हो जाएंगे मध्य अक्षांश, और 60 डिग्री से 90 डिग्री ये क्या हो जाएंगे ना उच्च अक्षांश। तो आपका डायग्राम नंबर 3 है, ये आपको इस प्रकार से बनाना है, क्लियर, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो आपका नंबर 1 वो हो गया था, उसमें आपने प्रमुख अक्षांश रेखाएं बने, नंबर 2 आपने कटिबंध बनाया, और नंबर 3 आपका जो डायग्राम है उसमें आपने क्या बनाए हैं अक्षांश बनाए हैं, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश।